चलो अब इसका हिसाब करते हैं। ये शहादत की उंगली और अंगूठा, अब ये हाथ तलवार थामने के काबिल नहीं रह पाएंगे और ना ही कमान चला पाएंगे। आप पहले ही महफूज मुकाम पर हैं जनाब। मुझे इस बात का डर है कि मारी उनके पास है। जब वो अपने सिपाहियों का यह हाल देखेगा, जाहिर है सरदार उस्मान चाहेगा कि इन सिपाहियों को वापस ले जाए। वो कहेगा ये लो तुम्हारी बहन, और उसी वक्त मैं उसके सिपाही उसे वापस कर दूंगा। इस कसम की पेशकश को आखिर हम क्यों रद्द करेंगे? हमें क्या करना है फिर उसके इन कटे पिटे सिपाहियों को रखकर? जनाब, सरदार उस्मान साहब का सिपाही बोरान आया है। आपकी बहन मारी भी उनके साथ है। उस्मान ने मेरी तवक्को से भी पहले अपना वादा निभाया। मारी भाई, तुम ठीक हो ना? आओ। मेरी बहन को यहां सही सलामत पहुंचाने के लिए शुक्रिया कहना सरदार को। आपके मुतालबे के तहत हम आपकी बहन को ले आए हैं। अब आप भी हमें तुर्कुत साहब के सिपाहियों को जल्द से जल्द वापस कर दें। आप मेरे पास मेरे लिए मेरी सबसे कीमती चीज वापस लेकर आए। नस्तुर, उन तुर्क सिपाहियों को छोड़ दो फौरन। इसका हिसाब लेते हैं। ठीक कहा तुमने। रुक जाओ भाइयों, पुरसकून हो जाओ। ऐसा क्यों किया इनके साथ आपने? इन हाथों से जितने तीर चले मेरे उतने ही सिपाही मारे गए, और मैंने अपने हर सिपाही के बदले इनकी सिर्फ दो उंगलियां तो काटी हैं। मेरे ख्याल में ये बुरा तो नहीं, तुम बताओ। तुम मेरी जगह होते तो क्या सजा देना चाहते हैं? बोलो सिपाही। उस्मान साहब को मेरा शुक्रिया कहना। चलिए मैं अब चलता हूं। मारी, तुर्कुत के सिपाहियों पर हमला हो रहा है। चलो,
हर सूरत इनकी हिफाजत करनी होगी, हमें इन्हें बचाना होगा। हमें इनके पीछे जाना होगा, चलो।